हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी न्यू पर्पल की हॉल वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पर्पल की हॉल वीडियो कैसी लगी है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है रोज गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। ये फेस सीरम है, ये 10 ml का है। इसकी नेट क्वांटिटी 10 ml की है और ये स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को एकदम लाइट बैलेंस बना देता है। जो भी डार्क सर्कल्स हैं इससे वो भी हट जाते हैं। और ये बहुत अच्छा सीरम है और ये बहुत, इसकी स्मेल एकदम रोज जैसी है। ये बहुत अच्छा सीरम ऑयल है फेस के लिए। विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके बाद ये पर्पल का ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है। इसकी भी नेट क्वांटिटी 10 ml है और ये बहुत अच्छा सीरम है। ये स्किन को हेल्थी बनाता है, स्किन को स्मूथ बनाता है और डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। इतना सा है, ये छोटू सा आता है। इसको मैंने यूज किया हुआ है, काफी अच्छा। और इसकी फ्रेग्रेंस सेम जैसे ऑरेंज ही हो, जैसे ऑरेंज को पीस के उसका ऑयल निकाल के दिया हो। और ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, बहुत, ये बहुत अच्छा सीरम है। ये दोनों सीरम मैं बहुत अच्छे से यूज कर चुकी हूँ क्योंकि ये दोनों सीरम अच्छे हैं। ये डार्क सर्कल्स हाइड करता है, ये डार्क सर्कल्स को हाइड करने में हेल्प करता है और ये स्किन को ग्लो बनाने में और स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद ये एप्पल सिनेगर गुड वाइब्स का, ये एप्पल सिनेगर स्मूथनिंग शैम्पू है। ये बालों को एकदम स्मूथ एंड स्ट्रेट कर देता है। जिन्होंने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट या स्मूथनिंग वगैरह कराई हुई है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा शैम्पू है क्योंकि ये बालों को एकदम स्ट्रेट रखता है और एकदम स्मूथ रखता है। ये भी मैंने काफी अच्छा यूज किया हुआ है क्योंकि ये बालों की लेंथ भी अच्छी कर देता है। उसके बाद ये है गुड वाइब्स का सिया बटर डीप नरिशिंग बॉडी लोशन है। ये बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है। ये एकदम नॉन स्टिक, ये एकदम स्टिकी नहीं है और ये स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये स्किन को एकदम स्मूथ बना देता है। और इसकी स्मेल बहुत ही लाइट है तो जिनको इतनी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। इसी में मैंने एक और मंगवाया था, ये है गुड वाइब्स का पीच नरिशिंग बॉडी लोशन है और ये डीप मॉइस्चराइजिंग, ये हमारे स्किन में अच्छे से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ये डीप मॉइस्चराइजिंग है और ये हमारी स्किन को नरिश, जो डार्क स्किन होती है हमारे हैंड्स में, ये उनको अच्छे से बैलेंस करके रखता है और ये डीप नरिश करता है, हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ लाइट वेट बना देता है। और ये अराउंड 78 में, क्योंकि उस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा था जिस टाइम पर ये मैंने मंगवाया था, तो उस टाइम पे मेरे को काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था। ये ईच 78 का पड़ा था मुझे गुड वाइब्स का। और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं और इसको मैंने काफी यूज किया हुआ है इसलिए मैं बता सकती हूँ। अगर आपको कोई अच्छा बॉडी लोशन चाहिए हो तो आप ये वाला बॉडी लोशन जरूर ट्राई कीजिएगा, सिया बटर डीप नरिशिंग बॉडी लोशन गुड वाइब्स का। वैसे तो इसमें बहुत सारे बॉडी लोशन थे, रोज था, एलोवेरा था, ऑलिव ऑयल का था, सिया बटर था, पीच था, बहुत सारे थे। तो जो भी आप बाय कीजिएगा वो पढ़ के बाय कीजिएगा कि वो आपकी स्किन को कैसे हाइड्रेट कर सकता है, कैसे बैलेंस कर सकता है। और ये मेरी स्किन में काफी अच्छा सूट किया हुआ इसलिए मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप ये वाला बॉडी लोशन जरूर बाय कीजिएगा। उसके बाद है ये लोटस का वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम है। इसमें SPF 25 PA++++ है और ये स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है
और ये बिल्कुल ही ऑयली नहीं है, लेकिन ये मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर चुकी हूँ, इसलिए आप सबको बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा फेस क्रीम है। लेकिन ये इसमें SPF 25 PA++ प्लस भी है, तो ये हमारे स्किन को डैमेज होने से अच्छी तरह बचाएगा। और ये मीडियम टू ऑयली स्किन वालों के लिए है, और ये स्किन को ब्राइटनिंग कर देता है, अनइवन स्किन को पिगमेंटेशन देता है, और स्किन को एकदम लाइट स्किन टोन बना देता है, डार्क स्पॉट्स हटा देता है। और ये जो जिनकी स्किन धूप में जाने से डार्क हो जाती है, उनकी स्किन को अच्छे से बैलेंस कर देता है। और ये सच में बहुत अच्छी क्रीम है। और ये इसकी क्वांटिटी, ये 18 ग्राम्स का है, ये मुझे 100 रुपीस का मिला था पर्पल पे। आउटर पैकेजिंग भी ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ये NYBay का लेजेंड वेट फॉर इट ड्राई कॉम्पैक्ट है, इसमें SPF 40 है। हमें कोई भी अगर अच्छा कॉम्पैक्ट लो, अगर उसमें SPF के कितना भी 40, 20, 30 अगर उसमें कुछ भी मिलता है, तो वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं और समर्स में भी इसे यूज कर सकते हैं। समर्स में इसे हम काफी अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें SPF 40 है। और इसमें मेरा शेड लिली वॉर्म ब्रिज लुक 1 है, और ये काफी अच्छा है। आउटर पैकेजिंग ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें भी NYBay कॉम्पैक्ट पाउडर विद SPF 40 लिखा हुआ है। इसके साथ आपको ये स्पंज मिल जाता है, इसे मैंने काफी अच्छी तरह यूज किया हुआ है, और इसका शेड थोड़ा ऐसे है। ये इसके साथ काफी अच्छा मिरर भी मिलता है, और ये काफी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, अभी मैंने इसे ही यूज किया हुआ है। और इसमें मेरा शेड लिली वॉर्म ब्रिज लुक 1 है। इसके बाद स्टे क्वर्की का ये हाइलाइटर है, इसमें मेरा शेड है मेक मी डू, ये काफी अच्छा शेड है, और ये काफी अच्छा हाइलाइटर भी है। अगर किसी को कम बजट में कोई अच्छा हाइलाइटर मिल रहा है, वो भी कंपनी का स्टे क्वर्की का, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि हाइलाइटर अराउंड 500 तक ही मिलते हैं, बट ये मुझे रिसीव हुआ था 200 रुपीज। आउटर पैकेजिंग ये एकदम पैन जैसा है, और इसमें मेरा शेड मेक मी हॉटर है 2, और ये काफी अच्छा गोल्डन शेड है। ये काफी अच्छा हाइलाइटर है, मैंने इसे अच्छी तरह यूज किया हुआ है, और ये अच्छा ग्लो देता है। अगर आपको कोई भी अच्छा हाइलाइटर चाहिए हो 500 से थोड़ा नीचे, तो आप ये वाला डेफिनेटली यूज करके देखिएगा। इसमें काफी सारे शेड्स आते हैं, जैसे रेड हो गया, बिल्कुल लाइट रेड, गोल्डन हो गया, और थोड़ा लाइट गोल्डन हो गया, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे शेड्स हैं इसके अंदर, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा इसमें शेड है मेक मी हॉटर 2। उसके बाद ये है मेबलिन फिट मी का, मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन है, मेरा शेड इसमें ब्रिज है, और ये काफी अच्छा फाउंडेशन है, ये लिक्विडी फाउंडेशन है। और ये अच्छे से स्किन में मेल्ट हो जाता है, और हमें अच्छी फाउंडेशन की कवरेज देता है, ये जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, ये बिल्कुल ही ऑयली नहीं है। और अगर आप लोगों को ऑयली फाउंडेशन नहीं पसंद, तो आप ये वाला जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद ये है फेसेस कनाडा का फाउंडेशन, ये है फेसेस कनाडा का फाउंडेशन, ये है वाइटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, कंटेन नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, इसकी क्वांटिटी 18 ml है,
ये मुझे अराउंड 200 रुपीज का मिला था। ये बहुत ही छोटू सा है, हम इसे अपने किसी ट्रैवल बैग में, अपने किसी पर्स में कैरी कर सकते हैं। ये ऑयली टू फेयर स्किन के लिए काफी अच्छा फाउंडेशन है। ये कवरेज भी अच्छे देता है, ये स्किन में अब्सॉर्ब भी जल्दी हो जाता है। ये दोनों काफी अच्छे फाउंडेशंस हैं, ये छोटे छोटे से हैं। उसके बाद ये है अर्ब्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर, ये है ग्रीनर टी टोनर, ग्रीन टी टोनर, ये है अर्ब्स गुडनेस का। और अर्ब्स गुडनेस के जितने भी टोनर आते हैं वो सब अच्छे होते हैं। ग्रीन टी हमारी स्किन में अच्छा हेल्थी स्किन बनाता है और हमारी स्किन को अच्छी तरह बैलेंस करता है, इसलिए मैंने काफी इसको यूज किया हुआ है और ये काफी अच्छा टोनर है। इसमें एलोवेरा, रोज, सैंडलवुड और कुकुम्बर काफी अच्छे अच्छे इसमें टोनर है। तो अगर आपको कोई भी अच्छा टोनर चाहिए हो तो आप ये वाला टोनर यूज करके देख सकते हैं। ये है, हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, इसमें एसिड एंड स्क्रिंकिंग पोर्स, और ये स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट कर देता है। अर्ब्स गुडनेस का टोनर है, ग्रीन टी टोनर। उसके बाद ये है एनवाई बेकी दो पेंसिल्स, यह भी मैंने यूज की हुई है और मैंने इसमें दो शेड्स मंगवाए थे, एक है ब्रॉन्ज कलर और एक है ग्रीन कलर। ये है ब्रॉन्ज कलर, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। ये है ब्रॉन्ज कलर, ये थोड़ा ब्राउन टिंटेड कलर की तरह है और इसमें गोल्डन शिमर मिक्स है और ये वाटर प्रूफ है, वाटर रेडियंस है, स्मच प्रूफ है और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, इसलिए हमारी आईज को ये बिल्कुल भी हार्म्स नहीं करेगा। और दूसरा है ये ग्रीन, ये बहुत ही स्मूथ चलते हैं दोनों पेंसिल्स और ये काफी अच्छा ग्रीन शेड है और ये काफी अच्छा ब्रॉन्ज कलर है। उसके बाद है ये एनवाई बेकी नेल पेंट और ये जेल नेल पेंट है और ये काफी अच्छा ब्राउन कलर है। इसमें छोटे छोटे शिमर्स हैं और ये बहुत अच्छा ब्राउन कलर है। अगर किसी को नेल पेंट में कोई अच्छा कलर चाहिए हो तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये काफी अच्छा ब्राउन कलर है, इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी स्ट्रांग है। इसके बाद एनवाई बे का ये कंसीलर, कंटूर और फाउंडेशन कलर करेक्टरिस्टिक है ये एनवाई बे की, और मेरा शेड है इसमें गोल्डन एनवाई बी एफ सी एस 3। ये आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इनके लिंक मेंशन कर दूंगी एंड इनके प्राइसेस मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इनमें से बाय करना हो तो आप डायरेक्ट लिंक पे जाके इसे बाय कर सकते हैं। और ये आउटर पैकेजिंग थोड़ा ऐसा दिखता है, ये भी काफी अच्छा कंसीलर फाउंडेशन करेक्टर स्टिक है ये, मेरा शेड इसमें 3 है। इसमें काफी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है हमें और ये काफी ये बहुत ही स्मूथ फाउंडेशन करेक्टरिस्टिक है, ये स्किन में जल्दी से मेल्ट हो जाता है, ये हार्ड नहीं है,
ये बहुत ही स्मूथ फाउंडेशन करेक्टरिस्टिक है, इसमें भी काफी सारे शेड्स मिलते हैं हमें। तो अगर आपको कोई भी सस्ता और अच्छा फाउंडेशन या कंसीलर चाहिए हो तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। देखिए उसके बाद ये है बायोटिक की बायो आमंड लिप बाम है, ये स्किन को ये लिप्स को नरिश करता है और ड्राई स्किन को ड्राई लिप्स को अच्छा कर देता है ये स्किन लिप्स को। और ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, ये आयुर्वेदिक रेसिपी से बना हुआ है। और ये ज्यादा महंगा नहीं, ये 25 रुपीज के अराउंड मिल जाता है हमें। और ये बहुत अच्छा लिप बाम है और ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी लिप्स को नरिशमेंट देता है। इसके बाद ये है अल्प्स गुडनेस का चारकोल फेस मास्क है, फेस मास्क है। और ये अल्प्स गुडनेस का चारकोल स्क्रब है, ये काफी अच्छे स्क्रब और मास्क है, इसे मैंने काफी अच्छा यूज किया हुआ है। और ये पॉल्यूशन के लिए होता है चारकोल, तो ये हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है, ये हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। ये डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए हेल्पफुल रहता है और हमारी अनइवन स्किन को हटाने के लिए हेल्पफुल रहता है ये स्क्रब। और आजकल तो काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो इसे चारकोल तो हमारी स्किन को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करता है, इसलिए मैंने अल्प्स गुडनेस के चारकोल के दो लिए थे, एक ये है मास्क और एक ये है स्क्रब। ये काफी अच्छे हैं और ये मुझे 50-50 के पड़े थे और ये काफी अच्छी छोटी, इतनी भी छोटी नहीं है बट काफी अच्छी इसकी क्वांटिटी मिल जाती है हमें 50 रुपीज में। 29 ग्राम्स की है ये दोनों, 29 ग्राम्स। और ये काफी अच्छा मास्क है और काफी अच्छा स्क्रब है और ये हमारे समर्स में विंटर्स में अच्छी तरह काम आने वाला है, क्योंकि ये पॉल्यूशन से बचाने के लिए चारकोल यूज किया जाता है इसलिए। उसके बाद ये है एनवाय बे का लाइनर, आई लाइनर है, ये 6 ml का है और ये वाटर प्रूफ लाइनर है और ये ब्लैक लाइनर है, ये बहुत ही अच्छा लाइनर है, ये वाटर प्रूफ है। ये 68 का था, ये 68 का था। अगर आपको कोई भी अच्छा वाटरप्रूफ लाइनर चाहिए हो अपने कम बजट में तो आप इसे डेफिनेटली यूज करके देखिएगा, ये काफी अच्छा लाइनर है और सुपर ब्लैक लाइनर है ये। उसके बाद ये है स्टे क्वर्की का लिक्विड फाउंडेशन, इसमें विटामिन ई है और मेरा शेड इसमें कैरियन कैरेमल 3 है और ये काफी अच्छी पैकेजिंग में आता है, ये कांच का है और पंप भी काफी अच्छा है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और ये पंप के साथ आता है, ये थोड़ा सा ऑयली है, ये थोड़ा सा ऑयली है क्योंकि इसमें विटामिन ई है बट ये हमें अच्छी कवरेज देता है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, कि इसकी स्मेल किसी ऑयल की तरह है क्योंकि इसमें विटामिन ई है और ये काफी अच्छी कवरेज दे देता है हमें। और इसके बाद एनवाय बे का नेल पेंट रिमूवर है और ये काफी अच्छा नेल पेंट रिमूवर है। अगर आपको कोई भी अच्छा नेल पेंट रिमूवर चाहिए हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं, इसमें काफी कलर्स हैं, ये अलग अलग कलर्स में आता है, मैंने इससे पिंक कलर, और ये काफी अच्छा नेल पेंट रिमूवर है, ये जल्दी से नेल पेंट हटा सकता है। आजकल मार्केट में कितने ऐसे नेल पेंट रिमूवर आ रहे हैं जो दिखते ऐसे हैं कि नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं बट कर नहीं पाते, इसलिए मैंने इसे बाय करके देखा था, ट्राई किया था, तो ये बहुत ही अच्छा नेल पेंट रिमूवर है। उसके बाद ये है डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर,
इसमें मेरा शेड है ब्रिज सुप्रीम 04 और डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर बहुत अच्छा होता है, ये डार्क सर्कल्स को, हमारी जो डार्क स्पॉट्स है उन्हें बहुत अच्छी तरह हाइड कर देता है ये कंसीलर। ये ब्रश वाला कंसीलर है, हम इससे अगर हमें कोई हल्का मेकअप करना हो तो हम इससे एज अ फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं और एज अ कंसीलर भी अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, और ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, स्टिकी नहीं है, ये स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है। इसमें काफी सारे कलर्स हैं, मैंने इसमें शेड लिया था 04 ब्रिज कलर। अगर आपको कोई भी इसमें डार्कर या लाइटर शेड चाहिए हो तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इन सब सामान के साथ कुछ गिफ्ट्स रिसीव्ड हुए थे, जैसे कि हमारे पास ये ऑरेंज जेल है गुड वाइब्स का, और मेरे पास इसी का ही गुड वाइब्स का ही चारकोल का फेस वॉश आया था, वो उसकी क्वांटिटी भी इतनी थी। ये 10 ग्राम्स का है, वो भी 10 ग्राम्स का था। उससे मैंने यूज़ करके उसे मैंने काफ़ी अच्छी तरह यूज़ किया हुआ है, और ये मैंने आज यूज़ किया था अपनी मेकअप वीडियो में। ये काफ़ी अच्छा ऑरेंज जेल है, इसे हम एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये काफी अच्छा जेल है। अगर किसी के पास प्राइमर नहीं है, लेकिन प्राइमर महंगे आते हैं, तो अगर किसी का बजट इतना नहीं है तो आप इसी के गुड वाइब्स के जेल्स में से काफी सारे अच्छे अच्छे इसमें जेल्स आते हैं, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, कुकुम्बर जेल हो गया, ये वाला जेल है काफी, और रोज वाला जेल है, काफी सारे इसमें वो मिल जाते हैं फ्लेवर्स। तो आपको कोई भी अच्छा प्राइमर जेल चाहिए हो तो आप इसे भी यूज करके ट्राई करके देख सकते हैं। ये स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को शाइनी बना देता है, और ये बहुत ही अच्छा जेल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पर्पल की हॉल वीडियो कैसी लगी है। देखिए, बाय बाय।